हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके सामने हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि भाई क्या साइकोलॉजी होती है ड्यूरिंग वेट लॉस। हमारे पास है डाइटिशियन फोरम देसाई, बहुत ही कम टाइम आपको इनका बेनिफिट मिलता है कैमरा के सामने, बिकॉज काफ़ी बिजी होते हैं, काफ़ी सारे वेट लॉस और डाइट के क्लाइंट से उलझे होते हैं। तो हमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए पिछले 5 साल के अंदर कि भाई वेट लॉस के दौरान लोग क्या क्या बिहेवियर करते हैं, लोगों के क्या क्या ओपिनियंस होते हैं और लोगों के क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं ड्यूरिंग वेट लॉस, उसमें पहला क्वेश्चन है फरम जी कि भाई आपके सामने जब वेट लॉस के लिए कोई क्लाइंट आते हैं तो सबसे पहले वो क्या पूछते हैं आपसे? सी बेसिकली बात आते हैं वेट लॉस की, तो वेट लॉस के लिए आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आते हैं वो किसी के रेफरेंस से आते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी को रिजल्ट दिया है, वो रिजल्ट को वो एक अपना आइडियल मान के वो आपके पास आते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कितने दिन में मेरा वजन कम होगा। ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि वो कितने दिन में कम होगा। और तब मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि आपने कितने दिन में बढ़ाया है। ओके, कि अगर आपका वजन कल सुबह उठ के तो 5 किलो गेन नहीं बता रहा था, उसको बढ़ाने के लिए भी आपने काफ़ी जर्नी पास ऑन की है, काफ़ी अच्छे वाले जंक फूड आपने खाए हुए हैं, बिना एक्सरसाइज के अपने दिन निकाले हुए हैं, और ऑल ऑफ सडन आपको जो रिजल्ट चाहिए कि कितने दिन में कम होगा, तो वो कहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अब कितने दिन में आपका कम होगा। कोई किसी ने ऐसा भी पूछा होगा कि भाई 1 महीने में कम कर दूंगे या फिर 15 दिन में कम कर दोगे आप? उनका पहला क्वेश्चन ही ये होता है 1 वीक में कितना वजन जाएगा मैम। ओके, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उनको ये रिप्लाई देना कि भाई 1 वीक में आपका कितना वजन जाएगा। बेसिकली 1 वीक तो ये होता है कि जब वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, काफ़ी सारे मूड स्विंग्स आते हैं, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है, काफ़ी सारे टाइम टू टाइम उनको ये सारी चीज़ें करने की आती है जो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। आइडियली अगर देखें कि भाई 1 वीक में या 10 दिन के अंदर कितना वजन जाना चाहिए, तो उसका एक शॉर्ट आंसर हमारे व्यूअर्स के लिए। बेसिकली एक चीज़ डिपेंड होती है आपके BMR के ऊपर, कि अगर आपका BMR 1500 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा कि मिनिमम 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर आपका 1 kg वेट लॉस हो सकता है। दिस इज़ द आइडियल पार्ट, मगर सिर्फ डाइट से नहीं, एक्सरसाइज उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट व्यूअर्स, अगर आपका BMR मेटाबॉलिक रेट 1500 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपका 1 किलो जाएगा या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन आपका डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ। एंड आई होप इसका कोई फार्मूला भी होगा, मैम अभी बात कर रहे थे, हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहे हैं, आप डेफिनेटली अपना BMR निकालिए और कमेंट करें कि आपका BMR कितना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फरम जी कि भाई आपके पास तो इतने सारे क्लाइंट्स हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं 1-to-1 फिटनेस विद गोमजी में, आप फ्रंट हैं मतलब क्लाइंट के सामने, तो एक्चुअली कोई ऐसे सीन हुए हैं कि जो क्लाइंट ने कुछ और समझा और आपने कुछ और कहा हो, तो कोई ऐसा कोई किस्से? काफ़ी बार ऐसा हुआ है बेसिकली, और वो चीज़ होती है क्वांटिटी के अंदर। बेसिकली जब क्वांटिटी की बात आती है कि जहाँ पे आप लिख के देते हैं कि 1 रोटी देनी है या राइस देने हैं, तो वहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि 12 टेबलस्पून राइस देने हैं या 1 रोटी देनी है, मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि जब जेंट्स को डाइट कराना होता है और लेडीज़ उनको मॉनिटर करती होती है, उनकी वाइफ जब मॉनिटर करती है, तो जहाँ पे वो उसके हस्बैंड को उसको 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खिलाने की जब आदत होती है और जब आप डाइट में प्रिस्क्राइब करके देते हो कि 1 रोटी देनी है, तो वो बेचारी को लगती है कि मेरा हस्बैंड अब किस तरह से सर्वाइव करेगा, तो वो 3 आटे का जो कम्प्लीट डो होता है उसकी 1 रोटी बन जाती है और वो रोटी उसको सर्व की जाती है। तो जब हम उसकी फोटोग्राफ्स मंगवाते हैं तब हमें जाके पता चलता है कि बेसिकली ये रोटी दिखने में तो 1 है, मगर क्वांटिटी अगर देखा जाए तो इसके अंदर 5 रोटी का डो मिक्स किया हुआ है। सेकंड चीज़ आती है जहाँ पर हम लिखते हैं कि राइस देने हैं, 12 टेबलस्पून राइस लेने हैं, तो तब भी उनके क्वेश्चन होते हैं कि मैम कुक राइस लेने हैं या रो मटेरियल आपको लेना है, तो वो सारी चीज़ों को भी हमें प्रिस्क्राइब करके देना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जब कीटो डाइट दिया जाता है, और ख़ास करके वेजिटेरियन क्लाइंट्स को, अगर उसको वहाँ पर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो पनीर इज़ ओनली द ऑप्शन के जो फैट के तौर पे वो लेते हैं। सेकंड होता है एवोकाडो, कि जो वो गूगल पे सर्च करके लाते हैं कि मैम एवोकाडो भी हम ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली एवोकाडो जो है इज़ नॉट अ इंडियन फूड, तो वो कई बार तो मेरे पास ऐसा भी हुआ कि पहले दिन से वो क्लाइंट लेके आए, फिर बोला कि मैम ये तो कच्चा है, मैंने कहा भाई रखो उसको संभाल के 1-2 दिन में वो पक जाएगा। ऑन एंड ओवर कीटो डाइट खत्म हो गया, मगर वो एवोकाडो पका नहीं था, वो कच्चा का कच्चा ही रहा था वहाँ पे। तो दिस आर द बेसिक थिंग जो हमेशा वो फेस करते हैं कीटो डाइट के वक्त, स्पेशली वेजिटेरियन क्लाइंट। मतलब इन शॉर्ट ज्यादा क्वांटिटी में ले लेना
ऐसी चीजें लेना जो बाहर की है यूट्यूब से देख के exactly. और अपने यहाँ की चीजों को अवॉइड करना है. exactly. मेरे ख्याल से ऑलिव ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल का भी ये होता होगा कि भाई डेफिनेटली हाँ, वो होता है कि ये सारी चीजों को लेके भी उनको काफी क्वेश्चन होते हैं. मगर दीज आर द बेसिक थिंग कि जहाँ पर वाइफ बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है कि मेरे हस्बैंड का वेट तो उतरना चाहिए मगर मैम ने दिया है वो बहुत ही कम खाना है, मेरे हस्बैंड बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर एक चीज के अंदर बहुत सारी चीज मिक्स हो जाती है. तो ऑल द वाइफ्स आप सुन ले, अपने पति को इतना प्रेम ना दे. ऐसी कहावत तो है ही कि भाई पति के दिल का रास्ता पेट से निकलता है, लेकिन ये एक्चुअली डाइट के टाइम परफॉर्म ना करे. हाँ, बेसिकली ना करे. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट. फनी बातें काफ़ी हो चुकी है. एक सीरियस क्वेश्चन था मेरा पर्सनली कि कई बार ड्यूरिंग द डाइट हमें ऐसा लगता है कि भाई लेक ऑफ मोटिवेशन जिसे बोलते हैं कि भाई डाइट करते समय रात के समय में स्पेशली मिडनाइट, आजकल तो ज़माना ही स्विगी और जोमेटो का है जहाँ पे 12-12 बजे बहुत भूख लगती है, नेटफ्लिक्स का देखते देखते स्पेशली, तो एट दैट टाइम क्या करें कि भाई रात को मंचिंग करना वगैरह, उसकी आपकी क्या एडवाइस है? सी, बेसिकली एक चीज़ मैं आज यहाँ पे क्लियर करूँगी और रियली ये देखा जाए तो एक फनी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सीरियस मोड पे ये चीज़ जा रही है कि डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप क्रैश फूड पे चले जाएं. डाइट का मतलब होता है आपको हेल्दी चीज़ें लेनी है, प्रॉपर टाइम इंटरवल पे लेनी है और इसी तरह से आपको आपकी हेल्दी लाइफ को आगे बढ़ानी है. तो डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये चीज़ सिर्फ नेटफ्लिक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है. जो लोग नाइट शिफ्ट करते, कॉल सेंटर में काम करते, जिनको पूरी पूरी रात जागना होता है, कॉल अटेंड करने पड़ते, उस वक्त भी अगर उनकी एपेटाइट्स फुलफिल नहीं होती है तो उनको प्रॉब्लम आती है. दे आर नॉट एबल टू हैंडल द क्लाइंट ऑल्सो. तो यहाँ पर चीज़ आती है कि मंचिंग के लिए फ्रॉम बिगिनिंग से जब भी कोई चीज़ आती है कि ड्राई नाश्ता हम लेते हैं, तो इन प्लेस ऑफ ड्राई नाश्ता हेल्दी चीज़ों में आ जाते हैं, मखाना आते हैं, आलमंड्स आते हैं, वॉलनट्स आते हैं, प्रोटीन बार आता है, प्रोटीन पाउडर आता है, रोस्टेड चने आते हैं, पीनट्स आते हैं, पीनट्स बटर स्मूदी आती है, ऐसी चीज़ें जो स्वीटनेस जिसे हम कहते हैं उसकी क्रेविंग को भी फुलफिल करेगी और साथ में आपको मंचिंग में भी हेल्प करेगी. तो ये सारी चीज़ें अगर आप आपके पास रखेंगे एज अ हैंडी ऑप्शन, कहीं पे हमने देखा ओट्स बिट्स की अगर किसको अच्छे लगते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आप कंटिन्यू आपके पास रखें और जब भी आपको क्रेविंग आती है तो इन प्लेस ऑफ कटिंग चाय या तो कॉफ़ी की जगह पर अगर ये चीज़ें आप लेंगे तो क्रैंकीनेस आपकी कम होगी, आपको डाइट करने में भी मज़ा आएगा और आप हेल्दी लाइफ भी कंटिन्यू कर पाएंगे. तो ये काफ़ी जानकारी मिली कि भाई आलमंड है, वॉलनट्स है, ओट्स बिस्किट है वगैरह वगैरह, जैसे हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमें भूखा रहना है रात के समय में. बेसिकली ममरा एंड खाखरा काफ़ी हद तक लोग प्रिफर करते, मगर उसकी जगह पर ही अगर आप ये हेल्दी चीज़ें लेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी. ट्रू. थैंक यू सो मच फॉर आज के दिन में आपका टाइम निकालने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर से करें.